आज हमने ट्रांसपायरोलोरिक प्लेन और नेक्स्ट जो है हम डिफरेंट मसल्स और डिफरेंट फाशास ऑफ डीप सुपरफिशियल फाशास ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिस्कस करेंगे। अब जो हमने डिस्कस करना है ये है ट्रांसपायरोलोरिक प्लेन। ठीक है, जो कल हमने डिस्कस किया था वो आपने सब रिवाइज किया कि नहीं? एक मिनट जरा, इनको ट्रांसपायरोलोरिक प्लेन। इट लाइज मिडवे बिटवीन द सुप्रास्टर्नल नोच ऑफ द मेनुबेरियम एंड द अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिंफेसिस। कहाँ पे होता है? सुप्रास्टर्नल नोच होती है मेनुबेरियम की और उसके बाद जो है अपर बॉर्डर ऑफ सिंफेसिस प्यूबिस, ये इंपॉर्टेंट है इसका पोजिशन। दिस क्रोसपोन टू अ प्लेन दैट इज अप्रोक्सीमेटली मिडवे बिटवीन द ज़िफॉइड स्टर्नल जॉइंट और एम्बलाइकस, जो है इसके जो है वो मिडवे में होता है। पोस्टीरियरली द प्लेन इंटरसेक्ट द लोअर लुम्बर वर्टिब्रा L1। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर क्वेश्चन, कौन से लेवल पे होता है लुम्बर। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं लुम्बर वर्टिब्रा के रिलेटेड। इंटीरियरली इट इंटरसेक्ट द कोस्टल एट द 9th कोस्टल कार्टिलेज वेयर द लीनियर सेमिनोलैरिस क्लोसिस। फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स लाइज अप्रोक्सीमेटली विद द, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ट्रांसपायलोरिक में होते हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको फिंगर टिप्स पे आपकी नोट्सबुक में लिखे होने चाहिए और फिंगर टिप्स पे याद हो। ओरिजिन ऑफ द स्पीरियो मेसेंट्रिक आर्टरी। स्पीरियो मेसेंट्रिक आर्टरी जो है हमारे मिड गट को सप्लाई करती है। ठीक है, इसको सप्लाई करती है, हमारे मिड गट को सप्लाई करती है। नेक्स्ट जो है ओरिजिन ऑफ द पोर्टल वेन, यहाँ पे होता है मीन्स जो ट्रांसपायलोरिक प्लेन होता है उस लेवल पे जो है वो ओरिजिन ऑफ मेसेंट्रिक आर्टरी, ओरिजिन ऑफ पोर्टल वेन फ्रॉम द कंफ्लुएंस ऑफ द स्पीरियो मेसेंट्रिक एंड स्प्लेनिक वेन बिहाइंड द नेक ऑफ द पेंक्रियास के। डेफिनेटली पेंक्रियास है, लाइक दिस वन इज द पेंक्रियास। ठीक है, पेंक्रियास के बिहाइंड जो है वो इधर से स्प्लेनिक वेन और इसके साथ जो है वो नीचे स्पीरियो मेसेंट्रिक वेन मिलके, ठीक है, ये क्या बन जाती है? पोर्टल वेन। और दिस इज द नेक ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, दिस वन इज स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन। दिस वन इज द स्पीरियर मेसेंट्रिक वेन। ठीक है, ये है स्पीरियर मेसेंट्रिक वेन। नेक्स्ट जो है कौन सी चीज होती है? हाइलम ऑफ द लेफ्ट किडनी। हाइलम क्या होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे हमारे यूरेटर आउट होता है और उसके बाद जो है दिस वन इज द यूरेटर, लाइक ये है यूरेटर आउट हो रहा है और इसके अलावा इसमें हमारी जो है वो आर्टरीज जा रही हैं और उसके बाद वेन है। ठीक है, लिम्फेटिक्स है, मीन्स के रेनल आर्टरी और वेन है। ठीक है, इस पूरे एरिया को, ये वाला एरिया जो है इसको क्या कहते हैं? इसको हम हाइलम कहते हैं। अब हाइलम हमने पढ़ा है, हाइलम लंग्स में भी होता है। ठीक है, लंग्स में होता है, लाइक ऐसे है लंग्स और जहाँ पे जो है डिफरेंट इसके अंदर आर्टरीज जाती हैं और वेन्स जाती हैं इस एरिया में, और स्प्लीन होती है उसमें भी हाइलम होता है ऐसे। ठीक है, तो ये सारे हाइलम्स होते हैं, वो इस लेवल पे होता है। देन ओरिजिन ऑफ द रेनल आर्टरीज होती है, डूडिनो जुजिनल फ्लेक्सर होता है कि दो जुजिनम और डूडिनम के दरमियान एक फ्लेक्सर, एक कन लाइक ऐसे फ्लेक्सर होता है, मीन्स के ऐसे जो है वो अटैचमेंट होती है। ठीक है, लाइक अगर ये है डूडिनम, डूडिनम तो नीचे इसके साथ जो है वो जुजिनम, मीन्स के ये है जो जुजिनम स्टार्ट हो गई है, ये फ्लेक्सर। ठीक है, ये वाला एरिया जस्ट लाइक जो हम कहते हैं एक लाइक कन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। देन टर्मिनेशन ऑफ एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इस लेवल पे होता है ट्रांसपायलोरिक प्लेन पे। देन द पाइलोरिस ऑफ स्टमिक, ठीक है, पाइलोरिस मीन्स के जो स्टमिक है इसका जो ये वाला एरिया है, दिस वन इज द पाइलोरिक एरिया। तो इस ये एरिया जो है वो हमारा ट्रांसपायलोरिक प्लेन पे होता है। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे ड्रा करना होता है, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, याद कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे डिफरेंट रीजन्स हैं। अब
आपने जो है वो मुझे रीजन्स के नाम बताने हैं, कौन कौन से हैं, सभी को आने चाहिए। ओके जो है हमजा मुझे इस प्लेन का नाम बताओ। जो है थर्ड वन, इसका नाम बताओ, इस प्लेन का नाम बताओ हमजा। और उसके बाद हारून, इसका नाम बताओ थर्ड प्लेन का। सारे सो रहे हैं, किसी ने नहीं पढ़ा है ना, सारे सो रहे हैं। खदीजा इसका नाम बताओ। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। वेरी गुड, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। और उसके बाद जो है सेकंड का कौन सा है, सारे बताओ सेकंड। एपिगास्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, दिस वन इज एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक रीजन, दिस वन इज राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। और फोर्थ वाला कौन सा है, राइट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन। और फिफ्थ वाला एम्बिलिकल रीजन। और ये सिक्स्थ वाला कौन सा है, लेफ्ट वाला, लेफ्ट लंबर रीजन। वेरी गुड, लेफ्ट लंबर रीजन। देन सेवंथ, व्हाट इज द नेम ऑफ सेवंथ, राइट इलियक रीजन, राइट इलियक, राइट इलियक रीजन। और दिस वन इज हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और लेफ्ट लेफ्ट इलियक रीजन नाइन, लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये आपको रीजन्स जो है अच्छे से याद होने चाहिए सारों को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस वन इज द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ये जो ये लाइन है, ठीक है, दिस वन इज द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। और अब हमने देख लिया ये कौन कौन से होते हैं, इसमें स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। और अब इसमें देखें कि जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, अगर हम ये ड्रा करें ऐसे, ये है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है, ऐसे, तो ये इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। अ हॉरिजेंटल लाइन हाफ वे बिटवीन द सुप्रास्टर्नल नोच एंड प्यूबिक सिम्फेसिस, ठीक है। तो अब इसमें जो स्ट्रक्चर्स आते हैं कौन कौन से होते हैं, अब हमने उसको देखने हैं, स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं। तो काइंडली आप जो ये स्ट्रक्चर्स हैं इनको नाम अच्छे से याद रखने हैं। एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, L1 लंबर वर्टिब्रा बॉडी, ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी, ओरिजिन ऑफ पोर्टल वेन, नेक ऑफ पैंक्रियाज, पाइलोरिस ऑफ स्टमक, सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम, स्फिंक्टर ऑफ फोर्डी। ये स्फिंक्टर ऑफ फोर्डी क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लाइक ये है हमारा फॉर एग्जाम्पल डुओडेनम, ठीक है। डुओडेनम का क्या होता है कि सेकंड फर्स्ट पार्ट है, दिस वन इज द सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट होता है, ये हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट होता है इसके ऊपर स्पेशल एक स्फिंक्टर होता है इस एरिया में, जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। इस स्फिंक्टर ऑफ ओडी में क्या होता है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ऊपर से राइट और लेफ्ट जो है वो हेपेटिक क्या आती है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आती है, जो कि काम बाइल डक्ट के साथ मिलके ये बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, CBD मींस के कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये है गॉल ब्लैडर, GB मींस गॉल ब्लैडर, और ये है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। अब ये जो है कॉमन बाइल डक्ट आके इसका जो है एक डायलिटेशन होती है ऐसे, और उसके बाद ये इस स्फिंक्टर में जो है वो ओपन हो जाती है। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। और ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी है, ये स्फिंक्टर हमें पता है कि ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो है ये इसको जो है कौन सी चीज रिलैक्स करती है,
कौन सी चीज रिलैक्स करती है? कोलेसिस्टोकाइनिन, हमारा जो हार्मोन होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, वो इसको रिलैक्स करता है, और कोलेसिस्टोकाइनिन जो है हमारा इसको स्टिमुलेट करता है, मीन्स कि यहाँ पे कंट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो रिलैक्सेशन करवाता है, जिसकी वजह से जो जो भी फ्लूड होता है, जो भी मटेरियल होता है, जो बाइल साल्ट होते हैं हमारे, इसमें जब यहाँ पे कंट्रक्शन होगी हमारे गॉल ब्लैडर में, तो ये यहाँ से मूव करके सिस्टिक कॉमन बाइल डक्ट से जो है एम्बुला वेटर से, जब ये स्फिंक्टर रिलैक्स होगा मीन्स कि ओपन होगा, तो ये हमारे जो है वो कहाँ पे आएगा, हमारे इसमें आएगा ड्यूडिनम में, और ये कब स्टिमुलेट होता है, जब फैट आते हैं, फैट आते हैं, ठीक है, फैट जो है वो क्या रिलीज करवाते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन, और कोलेसिस्टोकाइनिन आगे वो फंक्शन देता है। अब ये बाइल साल्ट आगे, बाइल साल्ट, अब ये बाइल साल्ट क्या काम करते हैं, ये इमल्सिफिकेशन करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मींस क्या होता है, ये डाइजेशन ऑफ फैट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर हमारी फैट की डाइजेशन होती है। बाजुकात क्या होता है, और इसमें पैंक्रियाटिक एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं, बाजुकात क्या होता है, हमारे बाइल साल्ट जो है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, स्टोन कोलेडोकोलिथियासिस इसको कहते हैं, अगर ये कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन जो है गॉल स्टोन जो है वो इसको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इसको कहते हैं कोलेडोकोलिथियासिस, ठीक है। अब ये कोलेडोकोलिथियासिस बाइल साल्ट नहीं आएंगे तो फैट जो है हमारी बॉडी में ज्यादा, इस इंटेस्टाइन में ज्यादा रहेंगी, और ये फैट जो है बहुत ज्यादा ओस्मोटिकली हाई होते हैं, ओस्मोटिकली हाई होते हैं मीन्स के ये ओस्मोटिकली हाई होते हैं मीन्स के ये वाटर को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर अब्जॉर्ब करते हैं। तो देखें जब ये वाटर इसमें लाइक ये ल्यूमन है, इसके अंदर फैट है, तो ये वाटर भी इसके अंदर मूव करना शुरू कर देगा, जब वाटर ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारे स्टूल को बहुत ज्यादा जो है वो डिल्यूट कर देंगे, मीन्स के जो उस पेशेंट को जो है हाई सीवियर डायरिया होगा, क्योंकि जो है उसका स्टूल बहुत ज्यादा डिल्यूट हो चुका होगा, हमेशा पैंक्रियाटिक इंसुफिशेंसी, ठीक है, पैंक्रियाज जो है उसके एंजाइम भी चाहिए होते हैं हमारी फैट डाइजेशन, पैंक्रियाटिक इंसुफिशेंसी, और उसके बाद जो है पैंक्रियाटिक इंसुफिशेंसी और बाइल साल्ट डेफिशिएंसी में जो है वो डायरिया होता है, ठीक है, आपने ये क्लिनिकल पॉइंट याद रखने हैं, ये सारी नोट में फिजियो जो भी थी आपको समझा दी इसकी, और इस लेवल पे होता है हाइलम ऑफ द ईच किडनी, देन ड्यूडिनोजुजिनल रिफ्लेक्सेस भी होते हैं, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर भी होते हैं, ठीक है, और टिप ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज होती है, ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काइंडली ये नोट्स बुक में लिख लीजिएगा आपके। नेक्स्ट पाइलोरिक, ये निमोनिक्स है, ट्रांसपाइलोरिक, जिससे आप याद रख सकते हैं, टी मीन्स टर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम कॉनस मेडुलरिस कहते हैं, कोडा क्वेना जो है वो उसकी प्रोजेक्शन होती है, और जो एंड पॉइंट होता है उस एंड पॉइंट को जो है लाइक ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे एंड हो रहा है इसको क्या कहते हैं हम, कॉनस मेडुलरिस, और इसके नीचे जो प्रोजेक्शन होती हैं ऐसे नीचे नीचे उसको क्या कहते हैं हम, कोडा इक्वेना, ठीक है, इन प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं हम, कोडा इक्वेना। नाइन्थ रिब जो है, आर से नाइन्थ रिब, ए से आर्टरी, स्पीरियो मेसेंट्रिक आर्टरी, एन से नर्व टर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं, देन एस से स्प्लेनिक प्लेसर, हाइलम ऑफ स्प्लेन्स, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम वगैरह, स्फिंक्टर ऑफ बॉडी, और पी जो है पाइलोरिस ऑफ द स्टमिक और रीजन ऑफ पोर्टल वेन और नेक जो है ये इस लेवल पे होती हैं, ठीक है, थीके? तो ये सारा ट्रांसपाइलोरिक जो है हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमने इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है इज फिरम एंड इलास्टिक, कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होती हैं, एट लेयर्स होती हैं, फ्रॉम सुपरफेशियल टू द डीप, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं अब हमने वो देखनी है। सुपरफेशियल से अगर हम भी की तरफ जाएं तो ये होती है फर्स्ट जो है स्किन, लाइक दिस वन इज सुपरफेशियल, दिस वन इज डीप स्किन, देन सुपरफेशियल फाशा, दिस वन इज द सुपरफेशियल फाशा, मीन्स की फैटी लेयर होती है ये, ठीक है,
और सुपरफेशियल फाशा सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसको कैंपर फाशा भी कहते हैं, जो सुपरफेशियल फाशा होता है उसको कैंपर फाशा कहते हैं, ठीक है। देन जो है डीप फाशा होता है, डीप मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसको हम स्कार्पा फाशा कहते हैं, वो होता है। देन मसल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मसल्स कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, दिस वन एक्सटर्नल ओब्लिक होता है, देन इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और इन मसल्स के दरमियान में डीप फाशा होता है, ठीक है, डीप फाशा होता है, डीप फाशा होता है, ठीक है, इन मसल्स के दरमियान में, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के दरमियान जो है वो डीप फाशा होता है। देन जो है वो इंटरनली जो है, ठीक है, इन मसल्स के दरमियान जो इंटरनली एक फाशा होता है जिसको एंडो अब्डोमिनल फाशा या फाशा ट्रांसवर्सैलिस कहते हैं। ये फाशा ट्रांसवर्सैलिस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है हमारे इंग्विनल कैनाल में, हमने पता फेमोरल शीट वगैरह में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो इसलिए ये फाशा ट्रांसवर्सैलिस इंपॉर्टेंट है। देन जो है वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यूज होते हैं, दिस वन इज द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट या टिश्यूज होते हैं इसमें। देन पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, दिस वन इज द पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। तो ये डायग्राम जो है ये आपने इम्पोर्टेंट है, ये आपने डायग्राम बनानी है ये सारी, ठीक है। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर्स, एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स कितनी होती है, स्किन, सुपरफिशियल फाशा, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, फाशा ट्रांसवर्सैलिस, एक्सटर्नल ओब्लिक, और सॉरी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यूज और पैराइटल पेरिटोनियम लेयर। नेक्स्ट जो है एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट एट द एम्बिलिकस पे, जो एम्ब्रियोलॉजिकली रेमिनेंट होती है, दिस वन इज द एम्बिलिकस, तो लिगामेंटम टेरिस होता है, ये रेमिनेंट होता है, लेफ्ट एम्बिलिकल वेन जो है उसका रेमिनेंट होता है, उसको हम लिगामेंटम टेरिस कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था डक्टस विनोसिस होता है जो कि शंटिंग करता है हमारी, कहाँ पे शंटिंग करता है, डक्टस विनोसिस, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, दिस वन इज डक्टस विनोसिस। फीटल फीटल लाइफ में इन जो लाइक फीटल लाइफ इंट्रा यूटराइन लाइफ में ये पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्ट ब्लड को हमारे शंट करता है एओर्टा में, दिस वन इज द पल्मोनरी आर्टरी, पीए जो है वो पल्मोनरी आर्टरी, दिस वन इज एओर्टा। तो क्या होता है जब बेबी डिलीवर होता है वहाँ पे जब हाई जब वो सांस लेता है तो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से जब वो बैक प्रेशर डेवलप होता है एओर्टा से दोबारा वापस ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरी में आता है, तो वो हाई ऑक्सीजन जो है वो इस डक्टस विनोसिस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, क्या कर देती है, कंट्रैक्शन हो जाती है ऑफ मसल्स, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने के बाद जो है ये डक्टस विनोसिस डक्टस क्या बन जाता है, आर्ट्रियोसिस, ठीक है। तो ये इस तरह रेमिनेंट होते हैं हमारे बॉडी में, जिस इसी तरह लिगामेंटम जो टेरिस है ये हमारी जो अम्बिलिकल वेन्स है उसका रेमिनेंट है। और उसके बाद मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट इज अ रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एम्ब्रियोलॉजिकली, कि आपसे पूछा जा सकता है कि लिगामेंटम टेरिस जो है वो किस चीज का रेमिनेंट है, आपने बताना है कि वो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। हमने मैंने आपको CVS में फेटल सर्कुलेशन पढ़ाया था, उसमें आप अगर आप उसको रिवाइज करें तो आपको उसको पता, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देन है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट जो कि रेमिनेंट होता है यूरेकस का, ठीक है। ओके टेल मी व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इफ देयर इज पेटेंट यूरेकस इन चिल्ड्रन, लाइक इन बेबी, व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन, जो यूरिन होता है ना उसमें वो उससे बेली बटन से बाहर आता है। वेरी गुड, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द अम्बिलिकल एरिया, तो दिस इज ब्लैडर, हमारा यूरेकस जो है ये एसिस के साथ अटैच होता है, दिस वन इज यूरेकस नॉर्मल फीटल लाइफ में। लेकिन जो है
नॉर्मल फिटल लाइफ में, लेकिन बाद में जो है ये इसने डिजनरेट होने के बाद खत्म हो जाना है। लेकिन अगर ये पेटेंट रहे, पेटेंट मीन्स के ओपन रहे, तो क्या होता है हमारा जो इसमें यूरिन होता है वो इसके थ्रू जो है वो हमारे एम्बिलिकल एरिया से जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन होती है। वेरी गुड, ठीक है। एम्बिलिकस इज अ फाइबरस स्कैट्रिक्स दैट लाइज, स्कैट्रिक्स क्या होता है, सिक्रेट्रेशन क्या होती है, लाइक जब हम काट देते हैं वहां से वो एम्बिलिकल कॉर्ड काट देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या होती है, इस्कीमिया होता है उसमें। अम्बिलिकल जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें इस्कीमिया होता है, क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो जाता है, इस्कीमिया की वजह से इंजरी होती है। हमें पता है जब क्रोनिक इंजरी होती है तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाती है। उस फाइब्रोसिस के प्रोसेस को हम कहते हैं सिकट्राइजेशन, ठीक है। तो मीन्स के आपने देखा होगा बच्चों में वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ के वो सख्त हो जाती है और खुद ही जो है वो वहां से उधर जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फाइब्रस सिकट्राइजेशन, ठीक है। ये फाइब्रस सिकट्रिक्स लिखा हुआ है, मीन्स के वो ऐसी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो सिकट्राइजेशन होता है, दैट लाइज अ लिटिल बिलो द मिड पॉइंट ऑफ द लीनियर एल्बो, इज कवर्ड बाय एन एडहेरेंट एरिया ऑफ द स्किन, कंसिस्ट ऑफ द स्किन फाइब्रस लेयर प्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ फ्यूजन बिटवीन द राउंड लिगामेंट ऑफ द लिवर एंड द मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन सी होती है, एरिया ऑफ फ्यूजन होती है कौन कौन सी चीज की, राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर यहाँ पे होता है और मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट और टू मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है। मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट एक मीडियन है और एक मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। ट्रांसवर्स फाशा, अम्बिलिकल फाशा सराउंड द यूरेकस रेमिनेंट एंड पेरिटोनियम। तो अगर हम देखें कि ये हॉरिजेंटल सेक्शन थ्रू द इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट ऑफ द एब्डोमेन शोइंग द हॉरिजेंटल डिपोजिशन ऑफ द पेरिटोनियम, कि ये है हमारी पेरिटोनियम एरिया, दिस होल इज द पेरिटोनियम, ये जो है टोटल पेरिटोनियम है, ये हमारे ऑर्गन्स को जो है वो क्लोज करती है, लाइक उसमें कवर होती है। लेकिन जो इसके नीचे पीछे होंगे ऑर्गन्स वो सारे रेट्रो पेरिटोनियल होंगे, लाइक असेंडिंग कोलोन है इसके पीछे, तो असेंडिंग कोलोन जो है वो रेट्रो पेरिटोनियल है। हमारा इन्फीरियर वेना कावा अयोटा जो है वो इस पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं करती, जिसकी वजह से जो है रेट्रो पेरिटोनियल है। उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन भी रेट्रो पेरिटोनियल है। लेकिन हमारी ये जो डिफरेंट मेजेंट्री है, ठीक है, ये देखें, और हमारी इंटेस्टाइन्स, और उसके बाद जो है लेसर सैक, ये लेसर सैक जो है स्पेशल एक पाउच होता है जो कि हमारे लीवर और हमारे जो है वो स्टमक के दरमियान एक पाउच होता है, ठीक है, मेजेंट्री का पाउच होता है, तो ये लेसर सैक बनाता है। ये हम जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ओमेंटल बुर्सा है और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हैं और लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट या ओब्लिट्रेटरी अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं इस एरिया में, और मीडियम अम्बिलिकल लिगामेंट या अम्बिलिकल जो है वो ऑब्लिट्रेटरी यूरेकस है। देन रिलेशनशिप ऑफ द लोअर यूरेटर सीन फ्रॉम द अबव द मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस में, ठीक है। अगर दिस वन ए वाला जो है ये मेल पेल्विस है और ये जो है ये फीमेल का है, अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें यूरेटर का, कि यूरेटर जो है ये किडनी से आ रहा है ऐसे, ठीक है, किडनी से आके ये हमारी जो बाइफर्केशन होती है कॉमन इलियक आर्टरी, दिस वन इज द कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। तो ये उसके अबव जो है यहां से पास हो रहा है, लाइक इस एरिया से पास हो रहा है, देन पास होने के बाद ये जो इंटरनल इलियक आर्टरी है उसके साथ मूव करके जो है इमीडिएटली मूव करने के बाद जो है हमारे ब्लैडर के साथ अटैच होता है, ठीक है। मीन्स के बिल्कुल जो है ये ऐसे वर्टिकली है, ये मोर वर्टिकली होता है वर्टिकली, लेकिन जो जो है फीमेल्स, ठीक है, फीमेल उसमें देखें ये पास ऊपर से सेम एरिया से पास होता है इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा जो इसमें बैंड हो जाता है, ठीक है, और बैंड जो होता है क्योंकि इसके ऊपर से एक आर्टरी पास होती है जिसको कहते हैं यूट्राइन आर्टरी, क्या होती है,
यूट्राइन आर्टरी, जस्ट ये इसमें डिफरेंस है। और उसके बाद ये है वेस्ट डिफरेंस, जो कि वेस्ट डिफरेंस है ये हमारे नीचे टेस्टिस के साथ अटैच होता है मेल्स में, जो कि स्पर्म की एज अ कंडुएंट होता है स्पर्म की पासिस के लिए, एज अ पाथवे होता है जो कि टेस्टिस से हमारे यूरेथ्रा में स्पर्म को ट्रांसफर करता है, ठीक है। और उसके बाद दिस वन इज द ब्लैडर, और ये है इंटरनल इलियक आर्टरी, और ये है यूट्रस, ठीक है, फीमेल्स में। और पेल्विक ब्रिम, दिस इज द पेल्विक ब्रिम, पेल्विक इनलेट जिसको कहते हैं। देन दिस वन इज द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये हमने कट किया है। और ये है हमारा रेक्टल एरिया, ठीक है, ये है रेक्टल एरिया। ये जस्ट डिफरेंस आपने याद रखना है कि जो फीमेल में यूरेटर है उसके अबव जो है यूट्राइन आर्टरी पास हो रही है। कौन सी पार्ट पास हो रही है? यूट्राइन आर्टरी, जो कि ब्रांच होती है ये इंटरनल इलियक आर्टरी से आती है। यूट्राइन आर्टरी जो है वो किससे आती है? इंटरनल इलियक आर्टरी से ब्रांच आती है, जो कि हमारी यूरेटर के अबव जो है वो पास होती है। देन है फाशास, सुपरफेशियल फाशा। द सुपरफेशियल फाशा ऑफ द एब्डोमिनल वॉल्स लाई बिटवीन द डर्मिस, ठीक है, कहाँ पे होता है ये? डर्मिस ऑफ एंड द मसल्स के दरमियान होता है। इज एवेंचुअली डिवाइडेड इनटू द सुपरफेशियल फैटी लेयर, जो सुपरफेशियल फैटी लेयर है उसको हम कैंपर फाशा कहते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कैंपर फाशा क्या होता है, जो लेयर्स हमने आठ पढ़ी थी स्किन की इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की। देन डीप मेम्ब्रेनस लेयर होती है जो जिसको हम स्कार्पा फाशा कहते हैं। इन रियलिटी देयर आर द थ्री लेयर्स विद अ फर्दर लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू डीप टू द मेम्ब्रेनस लेयर। दीज थ्री लेयर्स आर पार्टिकुलरली वेल डिफाइंड इन द चाइल्ड लाइंग विद इन द सुपरफिशियल फाशा, और जो सुपरफिशियल फाशा है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होती हैं ड्रेनेज के लिए, नर्व्स होती हैं सुपरफिशियल स्किन क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती हैं। एंड इन द रीजन ऑफ द ग्रोइन सुपरफिशियल इनग्विनल, और ग्रोइन रीजन में जब ये फाशा सुपरफिशियल फाशा जाता है तो वहाँ पे सुपरफिशियल इनग्विनल लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। अगर हम सुपरफिशियल स्कार्पा फाशा और कैंपर फाशा देखें तो दिस वन इज द स्कार्पा फाशा, दिस वन इज कैंपर फाशा, ठीक है। और लाइन ऑफ फ्यूजन है, दिस वन इज लाइन ऑफ फ्यूजन, ये दोनों ऐसे नीचे आते हैं। और पोजिशन ऑफ पेनिस यहाँ पे है, और उसके बाद दिस वन इज द पोजिशन ऑफ स्क्रोटम इन मेल्स, और सुपरफेशियल फाशा ऑफ पेरेनियम, ठीक है। ये नीचे जाके हमारा सुपरफेशियल जो स्कार्पा फाशा है, ये पेरेनियम का सुपरफेशियल फाशा, मींस के हमारे जो टेस्टिस एरिया होते हैं मेल्स में उनकी कवरिंग भी इसमें ये उसमें भी इन्वॉल्व होता है। अब जो है इसमें हम देखेंगे एक्सटेंट एंड अटैचमेंट ऑफ द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फाशा ऑफ द एब्डोमिन एंड पेरिनियम।